वेलकम बैक टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल बोकारो स्टील प्लांट का तरफ से 2024 साल का शुरुआत में आईटीआई डिप्लोमा बीई बीटेक और ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट के लिए परमानेंट पोस्ट पर रिक्रूटमेंट पब्लिश हो गया, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर BSL/R/2024/01 जिसका नोटिफिकेशन डेट 15 मार्च 2024। ऑल ओवर इंडिया परमानेंट जॉब है। नोटिफिकेशन डिस्कस करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी कोई आपका प्रॉपर और ऑथेंटिक जॉब अपडेट आता है उसी का वीडियो मैं अपने चैनल पर अपडेट करता हूँ। कोई भी फेक या कोई भी कंटेक्चुअल जॉब का अपडेट मैं अपने चैनल पर पोस्ट नहीं करता हूँ, तो आप लोगों का भी इसमें डिस्टर्बेंस नहीं मिलता है। तो प्रॉपर जॉब अपडेट आपको मेरे चैनल से मिल जाएगा, एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, फॉर बोकारो स्टील प्लांट बोकारो सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ है, जिसमें न्यूरो सर्जरी क्रिटिकल केयर पीडियाट्रिक्स मेडिसिन के लिए वैकेंसी पब्लिश हुआ है। देखिए, इसमें मेडिकल ऑफिसर OHS असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी, इन सभी के लिए भी रिक्रूटमेंट पब्लिश हुआ है। कैटेगरी वाइज कितना सीट है आप इसे चेक कर सकते हैं। झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के लिए कितने पोस्ट निकला है, देखिए कंसल्टेंट सीनियर मेडिकल ऑफिसर, इसमें एनेस्थेसिया ओबिस्ट्रिक्स और गायनेकोलॉजी के लिए आपका सीट है। इसमें मेडिकल ऑफिसर OHS के लिए भी आपका एक पोस्ट है। बोकारो स्टील प्लांट बोकारो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट जैसे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर, जिसमें आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8 है, और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 12। झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस में देखिए, जैसे माइनिंग फोरमैन के लिए 3 सीट है, सर्वर के लिए 1 सीट है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग के लिए 5 सीट है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए 15 सीट है, माइनिंग मेट के लिए 3, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए 34 सीट है। देखिए, आईटीआई पर स्टूडेंट जो ऑल ट्रेड का आईटीआई पर स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं वो आप इस पोस्ट में कर सकते हैं, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में। आईटीआई अगर आपका किसी भी ट्रेड इलेक्ट्रिशियन फिटर मशीनिस्ट वेल्डर ग्राइंडर जो भी ट्रेड से है, आप इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 34 है, और इसमें देखा अंडिजा में 16 सीट है, एससी में 4, एसटी में 8, ओबीसी 3, ईडब्ल्यूएस 3 और एक सर्विसमैन के लिए 5 सीट रिजर्व है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बात कर लेते हैं, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। कंसल्टेंट के लिए मैं टेक्निकल के लिए डिस्कशन कर देता हूं, तो नीचे आ जाते हैं और जो टेक्निकल का पोस्ट है उसी में फोकस देते हैं। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए देखिए, अपर एज लिमिट 30 इयर्स है अनडिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, और इसमें मैट्रिकुलेशन 10th पास होना है, और 10th के साथ आपका 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल पावर प्लांट या प्रोडक्शन और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से होना चाहिए, और फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी आपका होना चाहिए। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए आप देखिए 28 साल अपर एज लिमिट अनडिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, इसके लिए क्वालिफिकेशन 10th क्लास आईटीआई, और इसमें आपका सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट आपका पास होना कंपलसरी है। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो आपका ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर है, इसमें आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो आपका एजुकेशनल होना चाहिए 50%, और बाकी देखिए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स होता है। मतलब आपका अगर डिप्लोमा में 50% मार्क्स ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट के लिए तब अप्लाई कर सकते हैं, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स रहना कंपलसरी है। देखिए, इसमें ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए आपका 10+3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन से होना कंपलसरी है, और इसमें भी मार्क्स क्राइटेरिया सेम टू सेम है। अनडिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 50% आपका एजुकेशनल मार्क्स होना चाहिए, और बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 40% होना चाहिए। इसके बाद एक ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग के लिए अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है, और इसमें भी 10+3 साल का डिप्लोमा माइनिंग से आपका होना है। क्वालिफाइंग मार्क्स आपका सेम है। माइनिंग फोरमैन के लिए देखिए 10+3 साल का डिप्लोमा इन माइनिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद वैलिड फोरमैन सर्टिफिकेट इन कॉम्पिटेंसी ऑफ BGMS अंडर MMR 1961। सर्वे के लिए आप देख लीजिए, माइनिंग फोरमैन के लिए 1 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर्वे के लिए अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है, इसमें भी 10+3 साल का डिप्लोमा होना है माइनिंग से,
और अदरवाइज माइनिंग एंड माइन से आपका सर्वे से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और वो भी आपका सर्वे सर्टिफिकेट कंप्यूटर से फ्रॉम डीजीएमएस अंडर एमएमआर 1961, तो डीजीएमएस आपका सर्वे सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स, सॉरी नॉट क्वालिफाइंग मार्क्स, एजुकेशनल आपका जो मार्क्स क्राइटेरिया है वो आपको दिया गया है, और 1 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना है। नेक्स्ट माइनिंग मेट के लिए आपका एज लिमिट 28 ईयर्स है, और इसमें आपका 10+ माइनिंग मेट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए डीजीएमएस का अंडर से, और 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी आपका होना है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन 20, जो आईटीएफ स्टूडेंट के लिए आपका एज लिमिट 28 ईयर्स है, इसके लिए 10+ आईटीएफ सर्टिफिकेट आपका होना है, और इसी के साथ साथ आपका कंप्लीटेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन डेजिग्नेटेड फ्रॉम ट्रेड फॉर्म आयरन और माइन ओन बाय इंटरमीडिएट स्टील प्लांट बोथ आयरन और एंड आईएसपी लोकेटेड इन इंडिया विद नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज बाय एनसीबीटी या एनसीवीईटी। देखिए इसमें 10+ आईटीआई का साथ साथ आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है, और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपका बाकी किसी भी डिपार्टमेंट का नहीं चलेगा, आपका सिर्फ स्टील प्लांट रिलेटेड स्टील जो भी आपका इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है सी का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एलिजिबल, और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनसीबीटी और एनसीबीईटी आपका अप्रूव होना है, एनसीबीटी या एनसीबीईटी अप्रूव होना है। ओके देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें आपको दिया जा रहा है, इन सभी पोस्ट के लिए हाइट आपका 155 सेंटीमीटर मेल के लिए और 150 सेंटीमीटर सॉरी इंजीनियरिंग पोस्ट में 155 सेंटीमीटर और नॉन इंजीनियरिंग पोस्ट में 150 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर वेट 45 केजी और फीमेल के लिए 35 केजी, चेस्ट मेजरमेंट 72 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन के बाद 75 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 75 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के बाद 79 सेंटीमीटर। इसमें विजुअल देखिए मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया इफ नॉट एक्सीड टू प्लस माइनस 4 इन ईच आई और नो स्क्विंट ऑफ कलर ब्लाइंडनेस और पार्शियल और फुल। देखिए इसमें आपका ये सब कुछ नहीं एलिजिबल है। ओके आपका कलर ब्लाइंडनेस हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया अगर कुछ भी है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका सिलेक्शन कैसे होगा, देखिए आपका अगर इसका पेपर चाहिए तो अगर आप आईटीआई स्टूडेंट है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, जितना भी स्टील प्लांट का आपका पेपर कंडक्ट हुआ है सभी डिमोटिवेशन क्वेश्चन पेपर का सलूशन मेरा यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, और कहीं से भी आपको नहीं मिलेगा ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर इसका मिलता नहीं है। देखिए सीनियर कंसल्टेंट कंसल्टेंट मेडिकल ऑफिसर के लिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर वो आपको ऊपर में दिख रहा है, जो हम लोगों का इंपॉर्टेंट है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर से शुरू करके अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर तक इन सभी पोस्ट का सबसे पहले आप देखिए एलिजिबल कैंडिडेट को सबसे पहले सीबीटी एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, सीबीटी एग्जामिनेशन आपका होगा और उसी का मार्क्स का बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। स्किल टेस्ट आपका होगा सीबीटी के बाद, स्किल टेस्ट सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, 1:3 रेशियो में स्किल टेस्ट में आपको बुलाया जाएगा, और एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सीबीटी को क्वालिफाई करने के लिए ओबीसी अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट को मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाना है, और बाकी एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को मिनिमम 40% मार्क्स आपको लाना है, तब आप इस एग्जाम को जस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। कट ऑफ मार्क्स अलग से होगा क्योंकि आपका सिलेक्शन प्योरली रिटन टेस्ट का मार्क्स का ऊपर होने वाला है। ओके और 1:3 रेशियो में स्किल टेस्ट में आपको बुलाया जाएगा। इसमें देखिए आपका ट्रेनिंग और प्रोबेशन आपको बताया जा रहा है, जैसे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिकल माइनिंग और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, इन सभी के लिए आप देखिए कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट विल बी प्लेस्ड ऑन ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स फॉलोड बाय 1 ईयर प्रोबेशन, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग दिस विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन इनिशियल ग्रेड ऑफ मिनिमम बेसिक पे एट द रिस्पेक्टिव ग्रेड्स। इसमें सबसे पहले आपका 2 साल का ट्रेनिंग चलेगा, उसके बाद 1 साल का आप प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे, फिर आपका जो रेगुलर पोस्ट है उसी में आपको भेजा जाएगा। पहले से आप परमानेंट है, जस्ट आपका पहले ट्रेनिंग चलेगा, हर जगह वैसे ट्रेनिंग चलता है, 1 साल का आपका प्रोविजन हर जगह में आपको मिलता है। इमोलुमेंट्स और अदर बेनिफिट अगर आप देख लेते इसको आप चेक कर लीजिए, देखिए आपका कितना मार्क्स होगा, सॉरी आपका कितना सैलरी आपको मिलने वाला है और क्या क्या बेनिफिट आपको इस इधर से मिलेगा। देखिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर इधर से एकदम नीचे तक इन सभी के लिए देखिए जो आपको दिया जा रहा है बेनिफिट्स आपको क्या मिलेगा।
इसमें जो आपका है माइनिंग मेट, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर, इन सभी पोस्ट का देखिए पे स्केल 25,000 70 से 35,070 रुपया है, बाकी ऊपर में 26,600 से आपका 38,920 रुपये, 3%, इसका मतलब 3% हर साल आपका इंक्रीमेंट होगा। और जिस भी पोस्ट का 2 साल का ट्रेनिंग चलेगा तो उसमें देखिए आपको कितना सैलरी मिलेगा, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में आपको फर्स्ट ईयर हर महीना 16,100 रुपया और सेकेंड ईयर हर महीना 18,300 रुपया मिलेगा, और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग पोस्ट पर हर मतलब पहले साल का हर महीना 12,900 मिलेगा और सेकेंड साल के हर महीना 15,000 आपको मिलेगा। ठीक है, इसमें देखिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फी, एग्जीक्यूटिव पोस्ट E1 से E4 जो आपका पोस्ट कोड है उसमें जेनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट को 700 रुपीज पेमेंट करना है, बाकी एसएसटी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटल एक्सर्विसमेंट कैटेगरी को 200 पेमेंट करना है, और जिसमें फॉर पोस्ट इन ग्रेड एस थ्री इसमें 500 रुपीज आपको पेमेंट करना है जेनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट को, बाकी कैंडिडेट को 150 रुपीज, और फॉर पोस्ट इन ग्रेड S1 इसमें आपको 300 रुपए पेमेंट करना जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट को, बाकी स्टूडेंट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटल एक सर्विसमेंट कैंडिडेट को 100 रुपए जस्ट पेमेंट करना है। फॉर्म अप्लाई करने का वीडियो अलग से मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, फॉर्म अप्लाई आप इजिली अपने फोन से कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने का नहीं है, अब फॉर्म अप्लाई मैं आपको करके दिखा दूंगा। प्रोसीजर और टेस्ट स्ट्रक्चर आपको बताया है, इसमें देखिए आपका जो 5 नंबर में दिया माइनिंग मेट, अटेंडेंट इनकम टेक्नीशियन बॉयलर और अटेंडेंट इनकम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए आपका 90 मिनट का टाइम जाएगा, इसमें वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डोमेन नॉलेज आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन आपका बाइलिंगुअल वर्जन इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका रहेगा, और इसमें देखिए आपका 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग।